सर, यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 7 का गणित लेके आया हूँ, जो प्रश्न वाली 7.1 का है, जिसमें एक ही नियम से बताया गया है। एक ही नियम से प्रश्न को हल करना है। तो एक नंबर का सवाल है दोस्तों, 6 किलो चीनी का मूल्य 216 रुपया है, 9 किलो चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। जो 6 किलो चीनी का मूल्य 216 रुपया है, 9 किलो चीनी का दाम कितना होगा, इसका मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो मैं अब बनाने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखें। 6 किलो चीनी का मूल्य, शॉर्ट में लिखता हूं, मूल्य 216 रुपया। तो सबसे पहले 1 किलो का निकालना है। दो तरह के इसमें निकाल सकते हैं, दो तरह से निकाल सकते हैं। 1 किलो चीनी का मूल्य, 1 किलो चीनी का मूल्य 216 और बट्टा में इसको लिख देना है, 1 किलो चीनी का दाम आ गया। तो सबसे पहले 1 किलो इसमें से भाग देने से मेरा 1 किलो चीनी का दाम निकल जाएगा, वरना डायरेक्ट अगर यहां बोला है 9 किलो चीनी का दाम, तो 9 किलो भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, दोनों तरह से निकाल सकते हैं। 9 किलो चीनी का मूल्य बराबर 216 गुना ये जो 9 है दोस्तों, उसको यहां लिख देना है, और जो नीचे है 6 पता नहीं, तो अब इसको काट सकता हूं। 3 3 9, 3 2 6, 2 1 2 10 2 20, बचा 1 16, 16 तो 8 2 16। अब इसको गुना कर दीजिए, 9 किलो चीनी का दाम निकल जाएगा। 9 किलो चीनी का दाम 3 8 24 हासिल 2 3 0 0, तो हासिल होगा सिर्फ को यहां लिख दीजिए 3 1 3 क्या होगा, 9 किलो चीनी का दाम। तो 9 किलो चीनी का दाम पूछा है, अगर इसमें से भाग देने पर 1 किलो चीनी का दाम निकल जाएगा, यानी कि 216 6 से भाग दीजिए 3 6 18 3 6 6 36, 1 किलो चीनी का दाम अगर निकालना चाहोगे तो 1 किलो चीनी का दाम निकल गया। अब इसी को 9 किलो, 1 किलो चीनी का दाम 36 रुपया, 9 से गुना कर दीजिए, ये आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6 9 54, 3 9 27, और हासिल जो 5 था 27 28 29 30 31 32, 324 रुपया इससे भी आ रहा है, कैसे निकालोगे, यहां भी निकल जाएगा, इस तरह भी निकाल सकते हैं। तो एक नंबर का इस तरह का प्रश्न का हल है। तो अब मैं 2 नंबर पे आता हूं।
दो नंबर में क्या कर रहा है हमने, दो नंबर में इसमें सवाल में कहा गया है ये सेवन क्लास बच्चों के लिए ये प्रश्न जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और लगभग सभी के लिए ये सही है। सी टेट वाले भी 1-5 के जो एग्जाम देने वाले हैं, जे टेट में भी आ सकता है, ये सबके लिए है, कोई गारंटी नहीं है जो नहीं आएगा इसी से आ सकता है। तो दो नंबर का सवाल इसमें कहा गया है, थोड़ा प्रश्न मान लेते हैं। एक मशीन एक घंटे में 20 किलो गेहूं पीसती है, एक घंटे में 20 किलो गेहूं पीसती है, उसे 40 किलोग्राम गेहूं पीसने में कितना समय लगेगा। ये मूर्ख भी बता सकता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है थोड़ा सा भी नहीं है वो भी बता सकता है कि एक घंटे में 30 किलो पीसता है तो 40 किलो में 2 घंटा लगता है। तो नियम के साथ में पढ़ाने जा रहा हूँ, तो 20 किलो गेहूं पीसती है एक घंटा में तो एक किलो पीसती है बराबर इसको ऊपर कर देना है और ये जो 20 है 20 किलो उसको नीचे कर देना है। अब 40 किलो पीसने में 40 किलो पीसने में लगा समय बराबर 1/20 गुना 40 कर दीजिए। इतना आसान ट्रिक में भी मांग सकते हैं इसको, ट्रिक इतना लिखने का जो है बच्चों के लिए लिखना ही पड़ता है, नहीं तो लिखने से ही आंसर निकल जाएगा, इतना लंबा करने का कोई जरूरत नहीं। 20 + 40 यानी कि 2 घंटे आंसर है इसका, 2 घंटे लगेगा। तो दोस्तों ये इसलिए सब जो लिखता हूँ क्योंकि 7th क्लास का बच्चों के लिए ही मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ और बच्चा अगर ना देखे तो इसमें मेरा कसूर क्या, ध्यान ना दे तो वो भविष्य का खुद अपने ही मालिक है, जैसा करे। मैं तो मेहनत करके सबको पढ़ा रहा हूँ समझा रहा हूँ और आगे देखें 3 नंबर का सवाल है, 3 नंबर का सवाल जो है 10 कलम का मूल्य 50 रुपया है, मात्र 50 रुपया, केवल 50 रुपया है, 15 कलम का मूल्य कितना होगा। तो मैं नियम से बनाने जा रहा हूं, जो मुझे कहा है सेकंड नियम उस आधार से बनाने जा रहा हूं। तो 10 कलम का मूल्य 50 रुपया है तो 1 कलम का पहले निकालना है बच्चों, एक कलम का मूल्य
कलम का मूल्य बराबर इसको ऊपर कर देना है और जो इधर है उसको नीचे कर देना है। एक कलम का अगर चाहोगे निकालने के लिए तो निकल जा रहा है, क्योंकि ये जीरो और ये जीरो कट जा रहा है तो बराबर पांच पांच रुपया हुआ एक कलम का दाम। तुम यहाँ कहा गया है 15 कलम का दाम, तो 15 से गुना भी कर सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं, 5 × 15 = 75 रुपया। और इस तरह अगर नहीं लिखोगे, डायरेक्ट लिखोगे 15 कलम का दाम, तो दोस्तों इस प्रकार भी लिखें 15 कलम का दाम का मूल्य तो 50 गुना 15 जो यहाँ है 15 वो लिखना है और नीचे 10 इसको इसको वही चीज आया। ये ट्रिक भी मान कर चले, दोनों का भी चल रहा है, ट्रिक भी यही है, इतना ही ये काम चल सकता है इसमें। तो 5 × 75 = 75 रुपया, 75 रुपया इसका आंसर। तो दोस्तों ये 3 नंबर का सवाल का जवाब है। मैं अब आता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, आप लोग वीडियो बना के रखें, आखिर में है, अंत में हम इस प्रश्न को हल करने जा रहा हूँ, 4 नंबर का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग थोड़ा ध्यान। तो प्रश्न पढ़ लेते हैं। मेघा को प्रति माह का मतलब है महीना में यानी 30 दिन में कितना मिलता है उसका वेतन, 27,000 रुपया मिलता है। यदि किसी माह में वह 6 दिन अनुपस्थित रहा, बच्चों थोड़ा गौर करें, अनुपस्थित रहा इसका मतलब वो काम पर नहीं आया, 6 दिन 30 दिनों में 6 दिन काम नहीं किया, उसी को अनुपस्थित कहा जाता है। तो काम कितने दिन किया, अगर 6 दिन काम नहीं किया तो काम कितने दिन किया एक महीना में, 24 दिन, 24 दिन यानी कि 30 दिनों में, 30 दिनों में 6 दिन अनुपस्थित ठीक है, तो बचा उपस्थित रही नहीं बराबर 30 − 6 = 24 दिन। दोस्तों ध्यान दें, 24 दिन काम किया एक महीना में 24 दिन, लेकिन वो अगर 30 दिन काम करती, 30 दिन काम करती तो 27,000 रुपया मिलता, लेकिन वो 24 दिन काम किया उसको कितना वेतन मिलेगा ये हमको निकालने के लिए कर रहा है। अब यहाँ देखना है कि 30 दिनों में मिलता है, 30 दिनों में वेतन मिलता है, मिलती है कितना, 27,000 रुपया। एक दिन में
डॉट डॉट दे देते हैं, डॉट डॉट, और 27,000 को हम ऊपर लिखा और ये जो 30 है उसको मैंने नीचे लिखा। अब 24 दिन काम किया है तो 24 दिन यहाँ लिखते हैं, डॉट डॉट दे देते हैं, ना लिखने का कोई जरूरत नहीं है। 27,000 गुना 24 बट्टा 30, अब इसको काट भी सकते हैं, काट सकते हैं, 3 9 27 इसको भी काट सकते हैं, 200 बचा, 200 यहाँ लिख सकते हैं, अब इसको गुना कर देते हैं, देखो इसको नीचे वाला आ रहा है, देखो एक नीचे वाला आ रहा है, देखो ऊपर, देखो नहीं, नहीं तो यहाँ हाँ, तो मैं इसको यहाँ लिखने जा रहा हूँ क्योंकि 900 और 24 गुना कर देते हैं, 4 9 36 और 9 2 18 21 और 2 0 है, इतना देखो क्लियर आ रहा है, देखो आंसर यही है। हाँ सिर्फ 6 देखो लास्ट 6 आंसर लास्ट 31,000 600 रुपया आ रहा है ना, नहीं 31,600 31,600 नहीं दिखा रहा है उसमें, सिर्फ 0 अच्छा यहाँ लिख देते हैं 21,600 हाँ ठीक है। हाँ तो यही आंसर है, 24 दिनों में उसको कितना वेतन मिला, 21,600 रुपया। तो आज मैं इतना ही लेके आया हूँ, और मेरा चैनल है, आप जो भी YouTube चैनल में YouTube में जा करके निकाल सकते हैं और देख सकते हैं, मेरा चैनल है AINULSIR, इस पर क्लिक कीजिए टोटल आ जाए और देखते रहिए। तो इसके साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ, धन्यवाद।